भारत ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। उसके बाद भारत ने रूस से सस्ता तेल भी खरीदा, जिसने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। अब इसी का बदला लेने के लिए अमेरिका भारत के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है कि पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। अमेरिका ने पहले तो पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करने के लिए करोड़ों रुपए दिए। पाकिस्तान में अमेरिका के राजदूत चुपचाप POK पहुंच गए। पाकिस्तान में अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने ट्वीट करके भारत और अमेरिका के रिश्तों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जबकि ये पूरी दुनिया जानती है कि ये भारत के हिस्से वाला कश्मीर है। लेकिन अब इस मामले में अमेरिका के रवैये ने चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, अमरीकी टीवी चैनल CNN की वेबसाइट के एक लेख में भारत के बयान और उसके फैसलों में अंतर बताया गया है। बहुत सारे अमरीकी विशेषज्ञ ये सोचते हैं कि एक तरफ भारत युद्ध से दूर रहने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ रूस का पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। माजरा ये था कि PM नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से SCO मीटिंग में कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है, हमें शांति से सभी मसले को हल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इस बयान की पूरी दुनिया में काफ़ी तारीफ भी हुई थी। उस समय अमेरिका, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों ने PM नरेंद्र मोदी की सीख की सराहना भी की थी, और दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया ने PM नरेंद्र मोदी के इस बयान पर और भारत के रुख पर सवाल भी उठाया था। ऐसा ही एक अमेरिकी चैनल CNN है, जिसने अपने लेख में भारत के बयान और उसके फैसलों में अंतर बताया था। कई अमेरिकी स्पेशलिस्ट के हवाले से ये लिखा गया था कि एक तरफ तो भारत युद्ध से दूर रहने की बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में भारत पुतिन के साथ ही है, ये सिर्फ सामने दिखावा है। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि एक तरफ तो पश्चिमी देशों ने क्रेमलिन पर बैन लगाए, तो वहीं भारत ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। उससे बड़े पैमाने पर तेल, कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद की गई है, और भारत रूस से बड़े पैमाने पर तेल, कोयला और फर्टिलाइजर भी खरीद भी रहा है। इससे पुतिन को आर्थिक तौर पर ताकत मिल रही है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ 2 बार लाए गए निंदा प्रस्ताव में भी भारत के दूर रहने पर सवाल उठाए गए थे। अमरीकी मीडिया ने कहा कि भारत के इस कदम से मॉस्को को अंतर्राष्ट्रीय पर वैधता मिलती रहती है। भारत यहीं पर नहीं रुका, यही नहीं, भारत रूस में चीन, बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास में भारत भी शामिल हुआ था। इसी बात को लेकर अमेरिका शायद चिढ़ गया है। अभी फिलहाल पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर है, और अमेरिका ने भारत को दिखाने की कोशिश की है कि वो पाकिस्तान के करीब भी जा सकता है। अमेरिका के एक पॉलिटिशियन ने अभी POK का दौरा भी किया था, तो ये इंडिया को दिखाने की कोशिश की गई थी कि आप रशिया के करीब इतना ना जाएं। अमेरिका ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 विमान के मेंटेनेंस के लिए भी हरी झंडी दे दी है। इससे ये पता चलता है कि वो पाकिस्तान के करीब जा रहा है। अब भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप रशिया को समर्थन देते रहेंगे तो हम पाकिस्तान के करीब जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन में चल रही गतिविधियों को परेशान करने वाला भी बताया था। इसका जिक्र करते हुए अमेरिकी मीडिया ने कहा कि भारत ने ये बयान जरूर दिया है, लेकिन युद्ध को रोकने की बात नहीं कही है। CNN ने कहा कि भारत ने खुद को रूस से दूर दिखाने की कोशिश की है, लेकिन कारोबारी और राजनीतिक संबंधों में ऐसा नहीं है। यही नहीं, विश्लेषक दीपा ओलाप्पी ने कहा है कि हाल ही में ही भारत ने पुतिन को जो टोक बात की थी, उसकी वजह तेल और फर्टिलाइजर की कीमतों में इजाफा होना हो सकता है। भारत और रूस के संबंधों का जिक्र करते हुए CNN ने लिखा है कि बीते साल दिसंबर में जब यूक्रेन की सीमा पर रूस ने बड़े पैमाने पर सेना को तैनात किया था, जब पुतिन को नई दिल्ली में बुलाया भी गया था। इस लेख में कहा गया कि शीत युद्ध के दौरान से ही रूस और भारत के संबंध बेहतर बने हुए हैं, और आज भी भारत हथियारों की जरूरत के मामले में रूस पर निर्भर करता है। और भारत को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आप रशिया से दूर नहीं होते हैं तो हम पाकिस्तान के और करीब जा सकते हैं। पहले दुश्मन देश को सैन्य मदद, फिर आर्थिक तंगी से बदहाल पाकिस्तान को बाढ़ उबारने के लिए मुआवजे की पेशकश, और अब आधिकारिक मुलाकात का एक नया दौर। बताने के लिए काफी है कि बाइडेन युग में अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियां एक बार फिर बढ़ने लगी, और आतंकवाद का मुद्दा फिर से कहीं पीछे छूट सा गया, क्योंकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 1 हफ्ते तक बाजवा अमेरिका में रहेंगे। यही वजह है कि इस दौरे ने एक बार फिर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों की अटकलों को हवा दे दी है। बाजवा लगभग 3 साल बाद अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले वो 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अमेरिका गए थे। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इस दौरान बाजवा बाइडेन सरकार के कई मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि आर्थिक तंगी से गुजर रहा पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, ऐसे में वो अमेरिका से सैन्य और आर्थिक सहयोग चाहता है। इसलिए बाजवा अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, खुफिया अधिकारी एवरेट डी हेंस और CIA निदेशक विलियम जे बर्न से मिल सकते हैं। खास बात यह है कि इससे पहले बाजवा और ऑस्टिन के बीच फोन पर भी बात हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच साझा हितों, रक्षा समेत कई मुद्दों पर बात हुई। इससे पहले 18 अगस्त को US सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिला ने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर्स में जनरल बाजवा के साथ बैठक की थी। इस दौरान भी सैन्य संबंधों, रक्षा समेत कई मुद्दे उठाए गए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में जब से सत्ता बदली है, लगभग तभी से पाकिस्तान की नई सरकार अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की यात्रा पर बाजवा पाकिस्तान के मामलों में दिलचस्पी रखने वाले अलग अलग थिंक टैंक्स और स्कॉलर से बात कर सकते हैं।